इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशंस जानने के बाद अब एक मौका ऐसा है कि हम ये सीख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लोकेशन पे, किसी भी रीजन में, किसी भी प्लेस पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ऐसे ये मान के चलें कि अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आने वाला। ठीक उसी तरह से जैसे क्लास 10th में भी एक मिलता जुलता कंसेप्ट आपने पढ़ा था, रे ऑफ लाइट। अगर ये लाइट सोर्स है तो इसके चारों ओर आपको रे ऑफ लाइट दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसी रे ऑफ लाइट के कंसेप्ट को एडॉप्ट करने के बाद सुविधा क्या हुई थी, इस बात पे खासा हमको ध्यान देना है। इससे हम रे ऑफ लाइट के टर्म में लाइट को आसानी से डील कर पाए थे। इमेज के लोकेशंस, इमेज का नेचर, फॉर्मेशन और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हम ड्रॉ कर लेते थे अगर रे डायग्राम ड्रॉ करना हमें आता था। आज उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमको अडॉप्ट करना है। जिस तरह लाइट एक रियल एंटिटी है और रे ऑफ लाइट एक इमेजिनरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन रीजन में एक रियल क्वांटिटी है और उसका एक इमेजिनरी वे में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन रीजन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आपको डेफिनेशन दिख भी रहा होगा और आप जान भी रहे होंगे कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो बेसिकली स्ट्रेट या कर्व भी हो सकते हैं, स्ट्रेट या कर्व दोनों हो सकते हैं, जिसके टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे आपको दे देगा। तो सबसे पहले चलिए फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं इसकी बात कर लें। जैसे आपने देखा था कि कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास है और सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट ड्रॉ करना है, तो हमने हर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपागेट कर रहा है, एक एरो हेडेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया था और ये रे ऑफ लाइट कह दिए थे। लेकिन यहाँ पर जब ड्राइंग की बात आएगी तो थोड़ी सी हमको पर्टिकुलर और स्पेसिफिक होकर के सोचने की ज़रूरत होगी। कैसा है कि हमें ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, पहला बात करते हैं ड्यू टू एन आइसोलेटेड, ठीक है, सेपरेट चार्ज के केस में आइसोलेटेड चार्ज। अब आइसोलेटेड चार्ज में सबसे पहले हम पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज ले सकते हैं। अगर आपने एक पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज लिया तो इसके फील्ड लाइंस के ड्राइंग आप कैसे कर पाएंगे, ड्रॉ कैसे कर पाएंगे, इस बात पे आपको ध्यान देना है। हेल्प आपको लेना पड़ेगा और हेल्प किसका लेंगे इसमें, तो टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के समय बताया गया था एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसे निगेटिव भी ले सकते थे लेकिन बाय कन्वेंशन हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे आप सबसे पहले टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे और उस पे लगने वाले फोर्स के तरफ ध्यान देंगे। इसीलिए ऊपर देखिए हेडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन की बात करें, अगर ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और एरो हमने ड्रॉ कर लिया। अगर आप यहाँ पर लेना चाहते पॉइंट तो यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही मिलता है। आप जिस तरफ भी चाहें पॉइंट लेकर के, मतलब टेस्ट चार्ज लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करने के बाद से कुछ ऐसी लाइनिंग आपको मिलेगी। ये लाइनिंग आपको हर डायरेक्शन में मिल जाएगा स्फेरिकली सिमेट्रिकल वे में। तो पहला चीज़ तो है कि आइसोलेटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली
स्फेरिकली सेमेट्रिकल होता है, सेमेट्रिकल भी है, स्फेरिकली सेमेट्रिकल भी होता है, सेमेट्रिकल। दूसरी बात, आप एक बात देख रहे होंगे कि यहाँ बीच में अगर हम गैप दिखाने की कोशिश करते हैं, इस तरह का गैप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में होगा? तो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास है 1/4πε0Q/r2। इसमें आप देख रहे हो कि E को जीरो होने के लिए आपको R को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, यानी इन्फिनिटी तक जाएंगे। ओके, तो हमने बताया था कि ये स्फेरिकली सेमिट्रिकल होंगे और रेडियली आप देख लो आउटवर्ड होंगे। रेडियली किस तरह से होंगे? तो आउटवर्ड। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की बात है। अगर हमने आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज ले लिया तो आप बता सकते हो कि डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यहाँ पर आपको नज़र आएगा, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव ही होगा और ये टेस्ट चार्ज आप देखोगे सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा और इसीलिए फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का इस बार भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल लेकिन रेडियली डायरेक्शन के अनुसार इनवर्ड है, ये डायरेक्शन आउटवर्ड नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो मिला ये रेडियली इनवर्ड। दोनों में ध्यान देंगे कि एक में जो फील्ड लाइन्स हैं चार्ज से स्टार्ट होकर के टुवर्ड्स इन्फिनिटी प्रोसीड कर रहे हैं और दूसरे में फील्ड लाइन्स इन्फिनिटी से आकर के चार्ज पे टर्मिनेट हो रहे हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई जब हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज हो। ओके, तो आपने दो केसेस देख लिया, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का। एक थर्ड केस यहाँ पर ड्राइंग बताना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि ड्राइंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम और बोर्ड दोनों के लिए ही, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो थर्ड हमने ले लिया क्या, सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम ले लेते हैं टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2 और दिया हुआ सिचुएशन क्या है कि Q1 इज इक्वल टू Q2, ये गिवन सिचुएशन है हमारे लिए। अब देखिए, इसके फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करना चाहते थे, जैसा पॉजिटिव का दिया हुआ है आपने ड्रॉ कर लिया, इसके भी फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करना चाहते थे ड्रॉ कर लिया, सारे फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करके शो करना चाह रहे हैं। ओके, एरो दे दीजिए। आगे चल करके एक प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी खास होगा कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। व्हाई दे विल नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, इस बात पे आगे चल के। ओके, यहाँ मैं बता दूँ कि जब इंटरसेक्शन नहीं होगा तो बीच में एक न्यूट्रल रीजन में बनेगा, यानी जो फील्ड लाइंस हैं वो ये दोनों जो आकर के इंटरसेक्ट करने वाले थे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से आकर के बैंड हो जाएंगे इस तरह से, ये फील्ड लाइन की बैंडिंग हो जाएगी, इधर वाला भी फील्ड लाइन कुछ ऐसे बैंड हो जाएगा। ओके, अगर आप नीचे की तरफ भी ड्रॉ करके दिखाना चाहें तो नीचे की तरफ भी फील्ड लाइंस इस तरह से बैंड हो जाएंगे और बीच में एक न्यूट्रल रीजन बन जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होंगे, ऐसा सिचुएशन आएगा। ओके, वेल, अगर आपने ड्रॉ कर लिया
तो ये न्यूट्रल पॉइंट की बात अगर करें वो कहाँ पर आएगा, अगर डिस्टेंसेस की बात करें, ओके ये वाला डिस्टेंस आपने एक्स वन मान लिया, ये डिस्टेंस एक्स टू मान लिया, तो इफ़ क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू, ध्यान देंगे कि वो न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली बीच में मिलेगा, यानी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होगा। ओके ये हो गया सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के कारण अक्सर सिचुएशन दे करके बोर्ड में फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की बात कहता है क्वेश्चन। फोर्थ केस में हम ले सकते हैं दो अनइक्वल, अभी तो इक्वल ले चुके थे, अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेज। अब ऐसे केस में क्या होगा, ओके तो इस सिचुएशन में एक चार्ज का मैग्नीट्यूड काफ़ी लार्ज लेना है अनइक्वल, इसलिए दूसरे का मैग्नीट्यूड स्मॉल लेना है। अगर ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है तो यहाँ जो सिचुएशन डिपिक्ट किया जा रहा है उसमें Q1 ग्रेटर देन Q2 है। फिर लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए फिर उसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसा पिछली बार कर रहे थे, बहुत सारे फील्ड लाइन से यहाँ से निकलेंगे, फील्ड लाइन चार्ज से नॉर्मली ओरिजिनेट होते हैं और नॉर्मली टर्मिनेट भी होते हैं। अब देखिए ये जो नल पॉइंट बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और डिफरेंसेस में साफ दिख रहा होगा कि एक तो जो चार्ज छोटा है उससे फील्ड लाइंस कम निकल रहे हैं, जो चार्ज छोटा है उससे फील्ड लाइंस कम निकल रहे हैं, जो चार्ज बड़ा है उसके फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं। रीजन साफ सा है, फील्ड लाइन का नंबर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि फील्ड भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम न्यूट्रल पॉइंट की बात करें, बीचों बीच जो गैप बन रहा है, एक तो Q2 से X2 डिस्टेंस पे और Q1 से X1 डिस्टेंस पे, यहाँ दिख रहा होगा कि X1 मच ग्रेटर है X2 से, ओके या ऐसा कहें कि Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 के रीजन में इनक्रोचमेंट कर गया है, अतिक्रमण कर गया है, तो कहना गलत नहीं होगा। ये बातें हो गई पॉजिटिव के केस में। अब आपसे ही एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर दोनों चार्जेज निगेटिव होते तो उस सिस्टम के लिए पैटर्न कैसा बनता, जवाब आपका मिलना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव के केस में एरो रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव के केस में एरो रेडियली इनवर्ड है, तो यहाँ भी ये जो एरोज आउटवर्ड दिखा रहे हैं, अगर हम चार्जेज सिस्टम को रिप्लेस कर दें नेगेटिव चार्जेस से तो वैसे केस में एरोज इनवर्ड होंगे। ओके तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ड्राइंग आप वन बाय वन करते जाएंगे, सभी ड्राइंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में मैंने बोला कि आते ही हैं। चलिए अब एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की बात करते हैं। अच्छा ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ये होता क्या है, इसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आई होप आपको बताया गया होगा। ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लीजिए और इसके कारण निकालिए। इस सिस्टम को कहते क्या हैं, ये बात मैं कह रहा था तो थोड़ी देर बाद बताएंगे कि ये क्या है। देखिए ऐसा है कि दो टर्म होते हैं, एक इंटरसेक्ट होना, ठीक है, और एक मर्ज होना, ये आगे बढ़ रहा था इसमें एक और जुड़ गया। इंटरसेक्शन नॉट अलाउड है लेकिन फील्ड लाइंस आपस में मर्ज हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, और मर्ज होना इंटरसेक्ट होना नहीं है, इस बात पे ध्यान देंगे। तो देखिए होगा क्या कि इस पॉजिटिव वाले का फील्ड लाइन और वो जो नेगेटिव वाले का फील्ड लाइन है कुछ इस तरह से बनेगा और दोनों मर्ज होकर के एक सिंगल लाइन बन जाएंगे, एरो एक ही जगह देने की ज़रूरत है, यानी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ओके ये तो स्टेट वाला हो गया, टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये
एकदम स्ट्रेट रिपल्सन शो करेगा और ये स्ट्रेट अट्रैक्शन शो करेगा सीधा लाइन। अगर यही चीज़ हम यहाँ पर ड्रॉ करने चाहें तो ये फील्ड लाइंस बैंड होकर के कुछ इस तरह से मिलते जाएंगे, लेकिन एरो के डायरेक्शंस वंस अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही रहेगा और कुछ फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ये आपको सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अभी हम बात कर रहे थे कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को क्या कहते हैं, तो रिप्लाई आना चाहिए था। आई होप आप समझ गए होंगे कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को क्या कहेंगे। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस की बात कर रहे हैं हम। ओके, ये फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस आपको दिखेंगे कुछ इस तरह से। ओके, ये हो गया आपका है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए, पैटर्न बड़ा रेगुलर सा है, किसी फ्रूट का नाम भी आप दे सकते हो, उस पर भी इस तरह की लाइनिंग्स दिखाई देती हैं। समर के केस में तो काफ़ी फेमस फ्रूट है ये, तो समर के केस में जो फेमस फ्रूट है उसका नाम है तरबूज। तरबूज पे भी इसी तरह की लाइनिंग दिखाई देती है। अच्छा, अभी टू इनइक्वल एंड अपोजिट चार्ज की बात करें, एंड अपोजिट चार्ज, ऐसे केस में पैटर्न क्या बनेगा। ठीक है, कोई नहीं, एक चार्ज आपको पॉजिटिव वाला लार्ज ले लीजिए, नेगेटिव वाला स्मॉल ले लीजिए, बीच वाला लाइन तो एकदम स्ट्रेट जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ से जो लाइन निकलेंगे यहाँ पे मर्ज करेंगे, यहाँ से भी लाइन निकलेंगे मर्ज करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फील्ड लाइंस नॉर्मली स्टार्ट भी होते हैं, परपेंडिकुलरली स्टार्ट भी होते हैं और परपेंडिकुलरली टर्मिनेट भी होते हैं, तो उसके अनुसार ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब शेप की बात करें, ये थोड़ा सा अलग टाइप का शेप है ना, कुछ पपाया या कोकोनट पे इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न कुछ ऐसा होगा। तो ये दो अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की बात हो रही है। एक और ख़ास बात कि फील्ड लाइंस के नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, कहाँ पर, जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा, नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि अब जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ड्राइंग्स सारे आप कंप्लीट कर लें, ये ड्राइंग्स और भी हैं, धीरे धीरे कुछ और भी पैटर्न हमारे पास आएंगे, एक आध में और भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन इसको फ़िलहाल आप नोट कर लें। जैसे कि एक और केस बुक में कभी कभी देता है, प्रॉपर्टीज़ के पहले मैं उसकी बात कर लूँ, एक चार्ज अ बॉडी या पॉइंट चार्ज और उसके साथ एक कंडक्टर रखता है। आप कोशिश करें इसका पॉइंट चार्ज एंड कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे। अब यहाँ आपका रिप्लाई हो सकता है, एक न्यूट्रल है दूसरा चार्ज बॉडी, केवल पॉजिटिव का फील्ड लाइंस ऐसे दिखा दें तो नहीं चलेगा क्या, आप खुद सोच के देखो, चलने वाला होता तो हम लोग चला देते, शायद वो नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है, एक फेनोमेना चार्जिंग का एक मेथड वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं, इंडक्शन भी होगा, और इंडक्शन के कारण आप देखो नेगेटिव चार्ज का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, आई होप क्लियर है, और पॉजिटिव चार्ज का ओरिएंटेशन अपोजिट साइड पे हो जाएगा अगर कंडक्टर न्यूट्रल रखे थे तो। अब फील्ड लाइंस यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव अभी दिखा ही रहे थे, कुछ इस तरह से यहाँ पर एकदम परपेंडिकुलर आपको दिखाना होगा। ओके, ये तो आपको कोशिश कर ही लेनी है, और इधर से आप सीधा सीधी स्ट्रेट दिखाएंगे, काहे का स्ट्रेट दिखाएंगे ये भी आप ही बता दो, है ना, समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस स्ट्रेट इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं, अगर कोई नेगेटिव प्लेट मिलता तो वहाँ टर्मिनेट हो जाते, और नेगेटिव प्लेट नहीं मिला तो टर्मिनेट नहीं होंगे, इन्फिनिटी तक कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जा करके ही
अंत होता है। तो अभी हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी बात करनी है। चलिए, तो ड्राइंग की बात हमने कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, होप आप सभी को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ड्राइंग्स आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ड्राइंग आप नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, अगर बोल दिया जाए तो। ओके, अभी प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज, ओके, जैसा आपको दिख भी रहा होगा या पहले से आप जानते भी होंगे, पहला प्रॉपर्टी यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। कई सारे ड्राइंग्स में वो डिपिक्ट करके मैंने दिखाया भी, रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया भी। आई होप वो बात क्लियर होगी। ओके, तो याद रखें, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव पे टर्मिनेट हुआ, इन बिटवीन कोई ब्रेक नहीं है, इसीलिए दूसरा जो पॉइंट बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। ये कंटिन्यूअस कर्व है, क्यों? तो ऐसा है कि या तो स्ट्रेट हो जाए, इमेजिनरी लाइन मैंने बोला था स्ट्रेट या कर्व हो सकते हैं, या कर्व हो जाए, दोनों पोज कंटिन्यूअस लाइन कह दीजिए, कर्व की बात नहीं, कंटिन्यूअस लाइन। ओके, स्टार्ट जहां से किया और एंड जहां तक करेगा, इन बिटवीन ऑल ऑफ सडन कहीं भी ब्रेक उसमें नहीं होगा, देयर विल बी नो सडन ब्रेक इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। रीजन में बता दूं, यहां पर अगर हम पॉइंट चार्ज का एग्जाम्पल लेकर के ही देखें तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको मालूम है, ऐसे और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन मालूम है। तो अगर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बीच में ब्रेक कर गया, इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो दिखा रहे हैं और फिर आप दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से स्टार्ट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? ई जीरो तब होगा, ई को जीरो तब बनाएंगे जब आर इन्फिनिटी पे जाएगा। यानी ये तो पॉइंट दिख जो रहा है चार्ज से इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है। ओके, ऐसे हालात में आप ऑल ऑफ सडन ब्रेक नहीं दिखा पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूअस लाइन, स्ट्रेट और कर्व दोनों पॉसिबिलिटी है, ऑल ऑफ सडन कैन नॉट ब्रेक। और ये क्वेश्चन नंबर 1.7 एनसीईआरटी का है, वहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन पहला ही मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो दूसरे प्रॉपर्टी की ही बात हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म लूप। देखिए, दो चीज़ें, एक लाइन और दूसरा लूप में डिफरेंस। लाइन तो थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ करके रखा था, ये कर्व वाला या स्ट्रेट वाला। लूप बोलने का मतलब क्या है? ये लूप है। ओके, ऐसा है कि अगर जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं आ जाए तो लूप हो सकता है। लूप आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लूप आपका सर्कुलर भी हो सकता है, हर केस में यही है। तो स्टार्ट करके वहीं वापस आ जाए तो हम लूप बोलते हैं। लेकिन आपने तो यहाँ कंडीशन लगा के रखा है कि पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तब क्या होगा? तो टर्मिनेट तो नहीं होगा, तो क्या होगा? वो इन्फिनिटी तक जाएगा, इन बिटवीन देर विल बी नो सडन ब्रेक। तो वापस आने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। लेकिन यही केस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में ये आपको पहले से मालूम है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, तो वो तो लूप बनाता है। अगर कभी आपको डिफरेंस पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, तो एक ये डिफरेंस आप नोट करके रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां लूप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाते। ओके, तो कैन नॉट फॉर्म लूप। ओके, अभी एक नेक्स्ट और चौथा ये प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ये भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर
1.7 में। अब ये नेवर इंटरसेक्ट इच अदर वाला क्या माजरा है ये भी थोड़ा सा देख लें। तो ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ओके। और टेंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके मिलेगा। अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेते हैं और एक दूसरा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेते हैं और दोनों को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर रेड वाले फील्ड लाइन के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हमारा ये मिलेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और ब्लू वाले के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉसिबल नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे होगा, हो सकता है मल्टीपल चार्जेस के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वहाँ पर शो होगा, रिप्रेजेंट होगा, वो बेसिकली रिजल्ट होगा और रिजल्टेंट का तो कोई एक ही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर दो फील्ड लाइन का इंटरसेक्शन दिखा दिया, तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो टेंजेंट दिखा दिया, जो कि फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ओके। तो होप ये भी मैंने बताया था कि 1.7 वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है एलैबोरेट करने के लिए 2 मार्क्स में, तो आप उसको कर पाएंगे, ओके। अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैं ये बताना चाहूँगा कि रिलेटिव क्लोजनेस या डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन। यानी जहाँ पर जितना ज़्यादा क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी है और यहाँ मैं उसी तरह का क्वेश्चन एक ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा रहा है और दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ए और एक पॉइंट यहाँ पर बी। अभी आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ए रीजन में ए पॉइंट के पास काफ़ी क्राउडेड है। आपसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बी में क्या रिलेशन है, तो जहाँ पर क्राउडेड फील्ड है, लाइन्स है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ओके। अब ऐसा देते कि ये जो गैप है ये मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर के आसपास है और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ऐसा फील्ड लाइन उतने ही है और 2 सेंटीमीटर के रीजन में स्प्रेडेड है, ये 1 सेंटीमीटर के रीजन में स्प्रेडेड है। तो अभी ई ए और ई बी में रिलेशन भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव की बात हो रही थी। तो वैसे केस में आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ई ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बी से 2 गुना है, ओके। तो रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन को देख करके आप एक काम कर सकते हैं, फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव का भी ये बहुत फेवरेट सेक्शन है। फील्ड लाइन ड्रॉ करने पे भी कॉम्पिटिटिव का एक खास अच्छा सेक्शन है। तो ये हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि गिवन रीजन में हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करना होगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस लेने पड़ेंगे, ऐसा, ओके। पैरेलल हो गए तो डायरेक्शन सेम और इक्विडिस्टेंस हो गए तो मैग्नीट्यूड सेम। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात है तो नॉन यूनिफॉर्म में तो और जितनी सारी पॉसिबिलिटी होगी वो हो सकती हैं।
रिप्रेजेंटेशन की। जैसे अगर आपने फील्ड कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिखा दिया तो ऑब्वियस है कि ये नॉन पैरेलल भी हैं, डायरेक्शन भी अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। या आपने एक और कोशिश कर ली, फील्ड लाइंस को अनइक्वल डिस्टेंसेस पे दिखा दिया, ठीक है, तब भी आपका ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ही कहलाएगा। या फील्ड लाइंस को स्ट्रेट न ड्रॉ करके इक्विडिस्टेंट भी हो, कर्व टाइप का ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे केस में ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और इन रिप्रेजेंटेशंस ड्राइंग के हेल्प लेकर के आगे फर्दर स्टडी होने वाली है। जैसे आप फ्लक्स पढ़ोगे तो वहाँ का